मैं आप लोगों के साथ आलू और करेले की सूखी भुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारी सब्जियों को धोकर पहले से काट लिया और पैन में तेल ले लिया। पहले करेले को मैंने नमक हल्दी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, इसको कुरकुरा होने तक मैंने भून लिया है, और ये कुरकुरा हो गया इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में। फिर वापस से मैंने पैन में तेल डाला है और प्याज डाल दिया, प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। फिर आलू डाल देंगे इसमें, हल्दी नमक डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये हमारा भून जाएगा तो मैंने करेला मिला दिया है, और ये फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और ये आलू करेले की स्वादिष्ट भुजिया बनके रेडी हो गई है। ऐसी तरीके से बनाइए, बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा, जो नहीं खाता है वो भी मांग मांग के खाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।